Yes, class. In today class, I am going to start chapter number 3, synthetic fiber and plastic solution. In this class, we understand all the question answers in your book. Okay? Question number 1, explain why some fibers are called synthetic. कुछ fibers जो हैं, उनको synthetic fiber क्यों बोलते हैं? Some fibers are called synthetic fiber because they are made man-made. एंड यूजिंग केमिकल जो मैन मेड बने हुए हैं और मैन ने क्या किया है उसने केमिकल्स को यूज किया है तो ऐसे फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर को ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 मार्क टेक द करेक्ट आंसर रेयन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर बिकॉज रेयन डिफरेंट क्यों है ना इट हैज अ सिल्क लाइक अपीयरेंस हाँ सिल्क लाइक अपीयरेंस है इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प इट फाइबर कैन ऑल्सो बी वूवन लाइक दोस नेचुरल फाइबर ठीक है अलग क्यों है क्योंकि सिंथेटिक फाइबर से डिफरेंट है क्योंकि बाकी पॉलिएस्टर एक्रेलिक नायलॉन कोई भी सिंथेटिक फाइबर में कोई भी नेचुरल सब्सटेंस को यूज नहीं करते हैं सिर्फ और सिर्फ कौन से सब्सटेंस को यूज किया जाता है बेटा सिंथेटिक आर्टिफिशियल चीजों को केमिकल्स को यूज करते हैं लेकिन रेयन के अंदर क्या चीज है कि वो ऑब्टेन होता है किससे वुड पल्प से फिर भी उसको किसने इंक्लूड कर रहे हैं हम सिंथेटिक फाइबर में क्लियर क्वेश्चन नंबर 3 फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड सिंथेटिक फाइबर आर आल्सो कॉल्ड अ सिंथेटिक फाइबर को और क्या बोलते हैं मैनमेड फाइबर एंड आर्टिफिशियल फाइबर नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अ रॉ मटेरियल कॉल्ड पेट्रोकेमिकल है ना सिंथेटिक फाइबर का रॉ मटेरियल क्या होता है पेट्रोकेमिकल लाइक सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक इज आल्सो अ सिंथेटिक फाइबर की तरह प्लास्टिक भी क्या होते हैं पॉलीमर होते हैं ठीक है प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर गिव एग्जाम्पल विच इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऐसे एग्जाम्पल देने हैं जिससे हमें पता पड़े कि नायलॉन जो फाइबर है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है द फॉलोइंग एग्जाम्पल इंडिकेट द नायलॉन फाइबर वेरी स्ट्रॉन्ग दे आर यूज फॉर मेकिंग पैराशूट रॉक्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग दे आर यूज इन मेकिंग सीट बेल्ट फिशिंग नेट टायर बोर्ड स्ट्रिंग फर्स्ट फोर्थ ट्रैकेट एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ये सब चीजें हम नायलॉन से बनाते हैं तो ये एग्जाम्पल हमें शो करते हैं कि नायलॉन फाइबर क्या है स्ट्रॉन्ग है ठीक है एक्सप्लेन व्हाई प्लास्टिक कंटेनर आर फेवर्ड फ्रॉम स्टोरिंग फूड प्लास्टिक कंटेनर को हम क्यों यूज करते हैं फूड को स्टोर करने के लिए प्लास्टिक कंटेनर आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन द प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद फूड स्टोर्ड इन देम हमने पढ़ा था ना प्लास्टिक आर नॉन रिएक्टिव तो प्लास्टिक रिएक्ट नहीं करते फूड के साथ सेकेंड पॉइंट इज द प्लास्टिक आर लाइट वेट एंड आर स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक कैसे होते हैं लाइट वेट होते हैं और क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं क्लियर दे आर इजी टू हैंडल एंड सेफ और इनको हैंडल करना बहुत इजी होता है और ये बहुत सेफ होते हैं इस वजह से हम प्लास्टिक कंटेनर्स को यूज करते हैं फूड को स्टोर करने में इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है फर्स्ट वाला कि ये फूड के साथ में क्या नहीं होते रिएक्ट नहीं करते क्लियर Explain the difference between thermoplastic and thermosetting plastic. Thermoplastic or thermosetting plastic mein kya kya difference hai? First difference is these plastics softened on heating can be bent easily. Ye jo plastics hote hain wo kya hote hain bahut soft hote hain jab inko heat kiya jata hai can be bent easily bent ho jate hain wapas mold kiya ja sakta hai inko. These plastics when molded once inko ek bar agar aapne kisi shape mein once bar mold kar diya hai cannot softened again wapas soft nahi hote hain. They do not lose their plasticity. ये अपनी plasticity को कभी भी lose नहीं होने देते हैं. They lose their plasticity. ये tight हो जाता है. ये एक ही mold में change होने के बाद में वापस नहीं होते. इसलिए अपनी plasticity को lose कर देते हैं. Examples are polyethylene, PVC and etc. Examples thermosetting की क्या होंगे? Example bakelite and melamine. Question number 7. Explain why the following are made of thermosetting plastic: saucepan handles. And electric plug switches and plug boot. First, thermosetting plastic are first point क्या है thermosetting plastic क्या होते हैं bad conductor होते हैं अभी पढ़ा था अपन ने bad conductor of heat, bad conductor of electricity है ना तो bad conductor of heat होते हैं and do not get heated up while cooking. और cooking करते हैं तो ये क्या नहीं होते heated नहीं होते अब देखिए अगर हम तो cooking के जो utensils हैं उनका जो handle है अगर हम किस पे ये मान लीजिए हमारा कोई यूटेंसिल है इसका जो ये हैंडल है हम थर्मोप्लास्टिक से बना देते किससे बनाते थर्मोप्लास्टिक से बना देते तो जैसे ही हीट यहाँ आती वो थर्मोप्लास्टिक क्या होता मेल्ट होना क्या करता स्टार्ट कर देता इसीलिए ये जो हैंडल्स हैं किसके बनाए जाते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बनाए जाते हैं
क्लियर, क्योंकि इनको जब भी हीट मिलेगी तो ये मेल्ट नहीं होते हैं जूते, दे आर यूज फॉर मेकिंग सॉसपैन्स एंड हैंडल्स। ओके, नेक्स्ट वन इज सिंस द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के एंड इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट पास थ्रू दैम। तो अंदर तो देखिए करंट है, स्विचेस के अंदर करंट है, इस तरीके से स्विच आपके बना होता है तो उसके अंदर क्या है, करंट होगा, लेकिन हम उसको टच करेंगे तो हमें भी तो करंट लगेगा। इसीलिए क्या किया जाता है, ये जो स्विचेस हैं वो उसके ऊपर प्लास्टिक कोट कर दिया जाता है, हम इस स्विच को ऑन ऑफ कर लेते हैं, हमें करंट भी नहीं लगता है। और ये क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी के कारण हीट तो प्रोड्यूस होती है, तब मेल्ट नहीं होते हैं। तो इसीलिए ऐसी चीजों को किस से बनाया जाता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाया जाता है। ठीक है, दे आर मेड फ्रॉम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के, इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट पास थ्रू सच प्लास्टिक, इलेक्ट्रिक करंट जो है इनके अंदर से पास नहीं हो पाता। दे आर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक प्लग, स्विचेस, प्लग बोर्ड। तो ये सब चीजें किससे बनती है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनती है। नेक्स्ट पॉइंट इज कैटेगराइज द मटेरियल ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इनटू कैन बी रिसाइकल एंड कैन नॉट बी रिसाइकल। आपको बहुत सारी चीजें दी हुई है यहाँ पर, आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सी चीजें रिसाइकल होती हैं। फर्स्ट है टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, टेलीफोन का कोई भी इंस्ट्रूमेंट है थर्मोसेटिंग से बनता है, इसीलिए वो रिसाइकल नहीं होता है। प्लास्टिक टॉय रिसाइकल हो जाते हैं, कुकर हैंडल नहीं होगा क्योंकि थर्मोसेटिंग का बना हुआ है, कैरी बैग हो सकते हैं, बॉल पॉइंट पैन रिसाइकल नहीं होगा, इलेक्ट्रिक स्विचेस रिसाइकल नहीं होंगे। ठीक है, प्लास्टिक बॉल्स, प्लास्टिक कवरिंग, इलेक्ट्रिक वायर, ये सब क्या हो सकते हैं, रिसाइकल हो सकते हैं। इनको दो कैटेगराइज में आपको इसी तरीके से टेबल बना के एक्सप्लेन करना है। राना वॉन्ट टू बाय शर्ट फॉर समर, अब जो राना है वो शर्ट बाय करना चाह रही है समर सीजन में पहनने के लिए, शुड ही बाय कॉटन शर्ट और शर्ट मेड फॉर सिंथेटिक मटेरियल। तो उसको कौन सी शर्ट पहननी चाहिए, सॉरी बाय करनी चाहिए, कॉटन शर्ट या सिंथेटिक मटेरियल से बनी हुई शर्ट। एडवाइस राना गिविंग योर रीजन, आप उसको एडवाइस दीजिए कि उसको किस टाइप की शर्ट पहननी चाहिए और साथ में आपने वो एडवाइस क्यों किया है उसका रीजन भी बताना है। सो ही शुड बाय कॉटन शर्ट, दिस इज बिकॉज कॉटन हैज मोर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, ये क्या कर सकता है, मॉइस्चर को होल्ड कर सकता है देन सिंथेटिक क्लोथ, सिंथेटिक क्लोथ के कंपेरिजन में। इन समर वी हैव एक्सटेंसिव स्वेटिंग विच इज इजिली सॉक्ड बाय कॉटन शर्ट, समर सीजन में बहुत ज्यादा स्वेटिंग आती है जो इजीली सॉक हो जाती है किससे, कॉमन कॉटन शर्ट से। हैंड कॉटन क्लोथ्स आर बेटर देन द क्लोथ मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल, कॉटन क्लोथ बेटर होते हैं किसके कंपैरिजन में, सिंथेटिक मटेरियल में। नेक्स्ट, गिव एग्जांपल टू शो दैट प्लास्टिक आर नॉन कोरोसिव इन नेचर, द लिटरल मीनिंग ऑफ नॉन कोरोसिव। नॉन कोरोसिव क्या होता है बेटा, अपन ने बात करी थी, चेयर क्या हो जाती है, खराब हो जाती है ना, तो पानी के साथ में रिएक्ट कर देती है। ठीक है, तो प्लास्टिक आर नॉन कोरोसिव या नेचर होते, इसको एक्सप्लेन करना आपने को। तो द लिटरली मीनिंग नॉन कोरोसिव इज रेसिस्टेंस टू गेट डिस्ट्रॉयड बाय केमिकल एक्शन, किसी भी तरीके का इससे केमिकल एक्शन नहीं होता। जैसे आयरन का कोई पाइप आपके पड़ा होगा, बारिश का सीजन है, बाहर रख दो उसको, वो क्या करेगा, मॉइस्चर से क्या करेगा, रिएक्ट करके उसमें जंग लग जाता है ना, तो क्या होगा, केमिकल एक्शन हो गया किसके अंदर, उस आयरन के अंदर या कोई भी मेटल के अंदर, है ना। आपके पूजा के अंदर जो बेल होती है या कोई दूसरे मटेरियल की जो भी प्लेट वगैरह होगी, सिल्वर के पायल या कोई ऑर्नामेंट्स होंगे आपके घर में, तो आप देखोगे वो कुछ टाइम बाद थोड़ा ब्लैकिश या उनकी जो शाइनिंग है वो थोड़ी डल हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर वो क्या कर लेती है, केमिकल एक्शन कर लेती है एनवायरमेंट में प्रेजेंट गैसेस के साथ। ठीक है, लेकिन जो प्लास्टिक होता है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती, इसलिए वो नॉन कोरोसिव होता है, रेसिस्टेंस होता है, उसमें किसी भी तरीके का केमिकल एक्शन नहीं होता है। फॉलोइंग आर द एग्जांपल दैट शो दैट प्लास्टिक आर नॉन कोरोसिव इन नेचर, प्लास्टिक कंटेनर डू नॉट रिएक्ट विद आइटम स्टोर इन, हम प्लास्टिक कंटेनर्स लेते हैं उसके अंदर फूड आइटम्स को स्टोर करते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है किसके साथ में, जो भी फूड उसके अंदर रखा है उसमें। दे डू नॉट गेट रस्टेड व्हेन एक्सपोज टू द मॉइस्चर एंड एयर, अगर प्लास्टिक की कोई चेयर है या कोई बकेट है उसको बाहर रख दे, उससे बिल्कुल भी रस्टेड नहीं होगा, जंग नहीं लगेगा मॉइस्चर और एयर के कारण। दे डू नॉट डीकम्पोज व्हेन लेफ्ट इन ओपन फॉर अ लॉन्ग पीरियड, हम उसको एक लंबे टाइम के लिए प्लास्टिक की कोई भी चीज को बाहर रख देंगे तो बहुत लंबे पीरियड तक डीकम्पोज भी नहीं होगी, क्योंकि वो किसी चीज से रिएक्ट ही नहीं करती है ना। तो क्वेश्चन नंबर, आई थिंक इट्स क्लियर, क्वेश्चन नंबर 11, शुड द हैंडल द ब्रिस्टल्स ऑफ अ टूथब्रश बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल, जो हैंडल है और ब्रिस्टल्स हैं क्या वो सेम मटेरियल के बने होते हैं, एक्सप्लेन योर आंसर, आंसर क्या होगा,
नो, हमने देखा था टूथब्रशेस किसके बने होते हैं, नायलॉन फाइबर के बने होते हैं ना. नो, द हैंडल एंड ब्रिस्टल्स ऑफ टूथब्रश शुड नॉट बी मेड ऑफ सेम मटेरियल, एक मटेरियल के नहीं बने होते. दिस इज बिकॉज अवर गम्स आर सॉफ्ट एंड द ब्रिस्टल्स शुड बी मेड ऑफ सॉफ्ट मटेरियल. तो ब्रिस्टल्स किसके बने होने चाहिए, सॉफ्ट मटेरियल के बने होने चाहिए. सो दैट इट डज नॉट हार्म द गम्स. ऑन द अदर हैंड द हैंडल शुड बी मेड ऑफ हार्ड मटेरियल सो दैट इज गिव अप ऑफ फर्म ग्रिप. जो प्रॉपर ग्रिप बने हैंडल की वो तो हार्ड मटेरियल से बना हुआ होना चाहिए, ऐसे प्रॉपर ग्रिप बने है ना, टूटे नहीं मुड़े नहीं. लेकिन हमारे जो गम्स होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इसीलिए हमें उसके लिए सॉफ्ट मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है. तो दोनों चीजें डिफरेंट डिफरेंट चीजों से मिलकर बनी होती है. और हमने पढ़ा था उसके जो ब्रिस्टल्स हैं वो नायलॉन से बने होते हैं, और जो पीछे का जो हैंडल है वो प्लास्टिक का थर्मो सेटिंग भी हो सकता है, थर्मो प्लास्टिक भी हो सकता है, दोनों प्लास्टिक में से किसी एक का बना होता है. अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, कमेंट ऑन द एडवाइस. हमें प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए, क्यों करना चाहिए उसको बताना है ना. प्लास्टिक मस्ट बी अवॉइडेड एज फार पॉसिबल, द मटेरियल मेड ऑफ प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, द यूज ऑफ प्लास्टिक हैज अ बैड इफेक्ट ऑफ द एनवायरमेंट. जो प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं इस कारण से ये एनवायरमेंट में बैड इफेक्ट शो करते हैं. व्हेन द प्लास्टिक्स आर बर्न इट रिलीज अ लॉट ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इन द एटमॉस्फेयर कॉजिंग एयर पॉल्यूशन. जब हम क्या करते हैं बेटा, इसको जब हम इसको बर्न करते हैं तो इससे बहुत सारी पॉइजनस गैसेस जो है वो रिलीज होती हैं, एयर पॉल्यूशन कॉज हो जाता है. ठीक है, दिस प्लास्टिक मटीरियल व्हेन ईट ऑफ द एनिमल्स शॉक देयर. और अगर ऐसी प्लास्टिक को एनिमल्स ईट कर लेते हैं तो क्या होता है, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम शॉक हो जाता है, जिससे वो उनकी डेथ भी हो सकती है. दिस कैन कॉज डेथ ऑफ दीज एनिमल्स. द वेस्ट प्लास्टिक आर्टिकल सोन हेयर एंड देयर केयरफुली सॉरी केयरलेसली गेट इन टू अ डर्टी वाटर ड्रेन सीवरेज, ये सब ब्लॉक हो सकते हैं उसके कारण. इन अ नटशेल प्लास्टिक कैन बी कंसिडर्ड अ थ्रेट ऑफ द एनवायरमेंट. इन सब चीजों से एनवायरमेंट को बहुत खतरा है, इसीलिए हमें प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए. क्लियर. मैचअप पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर से क्या चीज बनती है बेटा, फैब्रिक डू नॉट रिंकल इजीली. पॉलिएस्टर से जो बने हुए फैब्रिक्स होते हैं वो रिंकल फ्री होते हैं. क्लियर. टेफ्लॉन क्या हुआ, यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर. इसको किससे यूज करते हैं, जो नॉन स्टिक कुकवेयर होते हैं हमारे उनको बनाने में टेफ्लॉन का यूज किया जाता है. रेयन प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प, इनको क्या यूज किया जाता है, वुड पल्प बनाने के लिए. ठीक है, नायलॉन यूज फॉर मेकिंग पैराशूट शॉर्ट स्ट्रिंग्स, इन सब चीजों को बनाने में हम किसका यूज करते हैं, नायलॉन का यूज करते हैं. क्लियर. मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज एक्चुअली हेल्पिंग द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट कमेंट. जो मैन्युफैक्चरिंग है सिंथेटिक फाइबर हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ये फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व कर रहा है, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर. हम अगर मैन्युफैक्चर करेंगे सिंथेटिक फाइबर का भी यूज ओनली केमिकल सब्सटेंस, हम क्या करेंगे, तो केमिकल सब्सटेंसेस का यूज करेंगे, नेचुरल मटेरियल को यूज नहीं करेंगे. दस इंसान भी कंजर्व फॉरेस्ट, तो क्या होगा, फॉरेस्ट क्या हो जाएंगे, कंजर्व हो जाएंगे. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो द थर्मोप्लास्टिक इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आपको इसके अंदर बताना है प्रैक्टिकल करके कि क्या थर्मोसेटिंग या थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के. देखिए, सबसे पहले हम वायर्स से इन सब चीजों को कनेक्ट करेंगे. किन किन चीजों को कनेक्ट करेंगे, सबसे पहले एक बल्ब को यहाँ पर प्लेस कर दिए, वायर के थ्रू उसको सेल से कनेक्ट कर दिया. जो बैटरी होती है जो आपके रिमोट में या उनमें सेल लगता है, वो सेल को अपन ने यहाँ पर अटैच कर दिया. तो इस वायर का एक हिस्सा बल्ब से, ये वन साइड इसकी सेल से, इस सेल की अदर साइड यहाँ पर पेन और इसकी अदर साइड यहाँ पर. अब ये जो चीज है यहाँ पर, इस जगह पर हम चीजों को लगाकर देखते हैं. अगर बल्ब ग्लो हो जाता है, मान लीजिए यहाँ पर हमने कोई आयरन की स्ट्रिप लगा के देखी है ना, पहले आयरन लगाते हैं तो किसके लगाएंगे, आयरन की. तो आयरन की स्ट्रिप लगाते हैं तो हम देखते हैं कि पूरा सर्किट कम्प्लीट हो जाएगा. फिर अपना सर्किट कम्प्लीट होगा तो हमारा जो बल्ब है वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा. तो बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, फिर ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, अब इसी पेपर स्ट्रिप को अगर हम क्या कर दें, यहाँ से रिमूव कर दें. ठीक है, इस पेपर स्ट्रिप को हमने क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे इस पूरे को, और इसकी जगह पर अगर हम प्लास्टिक से बनी हुई चीज को यूज करेंगे. यहाँ पर हमने क्या कर दिया, प्लास्टिक लगा दिया, सपोज करते हैं ना, यहाँ प्लास्टिक की स्ट्रिप रख दी और फिर देखते हैं सर्किट कम्प्लीट हो गया. ठीक है, तो हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो ये जो बल्ब है ये क्या नहीं होता है, ग्लो नहीं होता है. क्यों, प्लास्टिक के अंदर से जो
करंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो फ्लो ही नहीं हो पाएगी तो हमारा सर्किट क्या नहीं होगा, कंप्लीट ही नहीं होगा. सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो बल्ब ग्लो नहीं होगा. आई थिंक इट्स क्लियर. ओके, आंसर इज अरेंज द सर्किट एज शोन इन द गिवन फिगर. जैसे अरेंज किया हुआ है वैसे आप अरेंज करेंगे. लीव अ गैप बिटवीन टू एंड्स ऑफ द वायर, यहाँ पर गैप रखेंगे. प्लेस द थर्मोप्लास्टिक इन द गैप एंड ऑब्जर्व द बल्ब, यहाँ पर आप प्लास्टिक को रखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे बल्ब को. तो हम क्या लिखेंगे, वी कैन व्हाट वी ऑब्जर्व, वी ऑब्जर्व बल्ब क्या होगा, ग्लो होगा कि नहीं होगा, नॉट ग्लो. तो प्लास्टिक था पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. प्लास्टिक क्या है, पुअर कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का. ओके,